छोड़ोगे क्या? ठीक है, आपको बताओ क्या दिया है आपके क्वेश्चन पे। इफ़ यू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी आपको दिया हुआ टू एक्स वाई, और लिखा है यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा, देन फाइंड डेल ऑफ यू वी अपॉन डेल ऑफ आर थीटा। तो अगर आप यू वी देखोगे तो आपको बताओ यू और वी बताओ किस में दिया हुआ है, एक्स और वाई में दिया हुआ है। फिर एक्स और वाई को तो किस में दिया हुआ है, आर और थीटा के टर्म में दिया हुआ है। तो इसको हम बताओ क्या लिख सकते हैं, यू वी अपॉन डेल ऑफ आर कॉमा थीटा इक्वल्स टू डेल ऑफ यू कॉमा वी अपॉन डेल ऑफ एक्स कॉमा वाई इंटू डेल ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल ऑफ आर कॉमा थीटा। ठीक है, तो एक बार सेपरेटली इसको निकालेंगे, फिर एक बार सेपरेटली इसको निकालेंगे, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ जो हमको पूछा है। ठीक है, तो हियर यू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वी इक्वल्स टू एक्स वाई। ओके, तो बताओ मुझे इसको निकालना है, तो बताओ यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, वैसे यहाँ पर निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे, फिर डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, डेल वी अपॉन डेल वाई निकालेंगे। ओके, डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है, इसको जब हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू दिस इज टू एक्स, वैसे को अपन जब करेंगे तो दिस इज माइनस टू वाई, यहाँ बताओ क्या होगा, टू वाई, यहाँ पर देखो आप क्या हो जाएगा, दिस इज टू टाइम्स एक्स। तो डेल यू कॉमा वी अपॉन डेल एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई। इसको निकालेंगे तो दिस इक्वल्स टू, यहाँ पर आपका रखा हुआ टू एक्स, यहाँ पर आपका है माइनस टू वाई, दिस इज टू वाई, दिस इज टू एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज़ फोर एक्स स्क्वायर माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस फोर फोर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉमन निकालो फोर को, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो, सिंस एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा, तो बताओ डेल एक्स अपॉन डेल आर इक्वल्स टू, जब इसको मैं आर के रेस्पेक्ट में करूँ दिस इज दी कॉस थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा निकालेंगे, जब मैं इसको थीटा के रेस्पेक्ट में करूँगा दिस इज आर माइनस साइन थीटा, दैट इज माइनस आर साइन थीटा। फिर जब मैं वाई को डेल आर के रेस्पेक्ट में करूँगा, मैं जब इसको आर के रेस्पेक्ट में करूँगा तो इस बताओ मैं क्या हो जाएगा, दिस इज साइन थीटा। फिर वाई को जब मैं डेल थीटा के रेस्पेक्ट में जब इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करूँगा दिस इज आर, इसका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ओके, नाउ डेल एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल आर कॉमा थीटा दैट इक्वल्स टू क्या होगा, डेल एक्स अपॉन डेल आर डेल एक्स अपॉन डेल थीटा डेल वाई अपॉन डेल आर डेल वाई अपॉन डेल थीटा। अब देखो इसके लिए कितनी यहाँ पे तुमको दी हुई है, कॉस थीटा, यहाँ पर आपको दिया हुआ है माइनस आर साइन थीटा, यहाँ आपको दिया हुआ है साइन थीटा, यहाँ आपको दिया हुआ है आर कॉस थीटा, हो गया। इसको सॉल्व करो, दिस इज आर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, ये आर साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस इज आर कॉमन निकालो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लगती है, दिस इज वन, तो दिस इज आर। ओके, नाउ हमको बताओ क्या दिया हुआ है, ये निकालना हमको, तो बस यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। तो डेल यू कॉमा वी अपॉन डेल आर कॉमा थीटा इक्वल्स टू इसकी वैल्यू, इसके लिए बताओ कितनी आई थी, इतनी आई थी, और इसकी जो वैल्यू है ये कितनी आई थी, आर आई है। तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू यहाँ पर आपको दिया हुआ है आर, तो ये फोर एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स को तो आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पर, आर कॉस थीटा दिया है, और वाई आपको दिया हुआ आर साइन थीटा, तो दिस इज आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू आर, ये वाला आर को अपन यहाँ रख दिए।
ये आर को अपन कॉमन निकाल लें और इस आर से अपन जब मल्टीप्लाई करें दिस विल बी आर क्यूब, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज वन, तो आंसर विल बी 4r